लगना था कि अवैध रूप से बनी नोएडा की भंगेल मार्केट पर जीएसटी का छापा पड़ा है। इस अवैध मार्केट से 8 लाख रुपए महीना किराया भी वसूला जाता था और इस मामले पर प्राइम टीवी से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। ब्रजेश पाठक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, श्रीकांत का जो मामला है, श्रीकांत त्यागी का, उसको लेकर के विपक्ष ये कह रहा है कि कार्रवाई करते करते उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत देर कर दी। देखिए, इस मामले में जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और जो लापरवाह अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ भी जांच हो रही, कार्रवाई होगी, हम किसी को बख्शे नहीं। वो ही कह रहे हैं कि सरकार के कुछ लोगों से उसकी संलिप्तता इस वजह से देर हुई। अगर कोई ऐसी बात स्थिति होगी तो वहाँ भी हम आपको बताएंगे और हर स्थिति में हम कानून पर राज कायम रखेंगे। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे ब्रजेश पाठक जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि कानून की दृष्टि से उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो सभी होगी। कैमरा पर्सन शोभन के साथ मैं नितिन पांडे। प्राइम उत्तर प्रदेश।